नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वो चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल समझाया था कि 18,350 के ऊपर आपने बुलिश रहना है, तो हम सुबह बुलिश रहे और 10-11 बजे के बाद जब मार्केट गिरी तो 18,350 के नीचे मैंने कहा था बेरिश हो जाना है, तो हम फिर बेरिश हो गए। तो बुलिश और बेरिश की इस लड़ाई में आखिरकार बेयर्स की जीत हुई आज। और हमने जब सुबह 18371 तक का जब डिप बाय किया तो हमें 18458 मिला, 18460। हालांकि हमारा टारगेट 18492 था, तो हमें 18460 तक मिला, तो हम 18432 ही काउंट करेंगे क्योंकि हमने आठ को 18432 बताया था। तो 18370 से 18432 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमें सुबह हुआ। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि 18350 के नीचे आपने बेरिश हो जाना है, फिर पुट ले लेनी है 18400 की या 18300 की, तो फिर हमें क्या मिला, 18207। हालांकि हमने जो टारगेट आपको बताया था वो बताया था 18176। और अगर हम ये भी लें कि जहां मार्केट खत्म हुई 18280 पर, तो फिर भी हमें काफी अच्छा 50-70 पॉइंट का प्रॉफिट पुट में भी हुआ। तो इस तरह से 50-70 पॉइंट दोनों तरफ से हमें जो प्रॉफिट हुआ, टोटल 150 पॉइंट का प्रॉफिट बड़े आराम से हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि आपने 39443 तक का कोई भी डिप बाय करना है, तो हमें क्या मिला, 39775, जो मैंने एग्जैक्ट टारगेट लगाया था वही मिला। तो हमें क्या मिला, हमें लगभग 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें भी। तो इस तरह से बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से ट्रेड करना अगर कहीं आपको सीख सकते हैं तो वो यहीं से हैं। तो जो दर्शक नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वो ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे अगर बेल आइकन का बटन दबाया होगा तभी आपको बड़ी तेजी से पता चल जाएगा कि मैं हमने वीडियो डाल दिए। उसके अलावा नीचे डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं, आप एंजल ब्रोकिंग, इंडिया इन्फोलाइन और एलिस ब्लू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से डीमैट अकाउंट खोलिए और अपना ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने तीन स्टॉक दिए थे, सबसे पहला था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को हमने बाय करने के लिए कहा था और 1515 से हमने बाय किया और हमें मिला 1570, 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहां से हुआ। एक्सिस बैंक को हमने बेचने के लिए कहा था 805 पे, पर हमें क्या ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 5 पॉइंट का हमें यहां पे लॉस हुआ। डॉक्टर रेड्डी को हमने बेचने के लिए कहा था 4854 तक, कोई भी उछाल आए तो वहां पे सेल करने के लिए कहा था, तो 4845 पे हमने सेल किया और हमें मिला एग्जैक्टली जो टारगेट मैंने दिया था 4736। तो इसमें हमें लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से कुल मिला के हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट स्टॉक्स में ही हो गया। कल के लिए जो तीन स्टॉक लेकर आए हैं, सबसे पहला स्टॉक है वो है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस को आपने बाय करना है। ये हमने क्यों चूज किया, एक तो इसने सारे 20, 50, 100 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है, आज उसने क्रॉस कर दिया सभी डेमास को और उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग दी है। कहाँ पे, 2874 के ऊपर। ये 2874 क्या था, डाउनसाइड ट्रेजेक्ट्री का रेजिस्टेंस था, तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देना ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। किधर, 3087, 3219 और 3432 तक के हमें टारगेट कल मिल सकते हैं और हमने इसे बाय करना है 2874 जो कि रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है। तो 2874 तक कोई भी डिप आए आपने बाय करना है, नीचे 2826 का स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा जो दूसरा जो स्टॉक है वो है जील। जील को जैसा कि आपने पता है सोनी एंटरटेनमेंट ने खरीद लिया है, तो जील में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज इसने 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये डाउनसेट ट्रेजेक्ट्री से तो निकल ही रहा है और बुलिश पैटर्न बना रहा है, लगातार हायर हाइस हायर लोस बना रहा है। उसके साथ साथ फ्लैग पैटर्न भी इसमें बन रहा है, उसके साथ साथ ये यू शेप में भी रिकवरी दे रहा है। तो इसको हम बाय करेंगे जहां पर भी मिल जाए 278 के ऊपर, इसको बाय कीजिए। अगर 308-323 के ऊपर मिले तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 278 तक भी कोई डिप आ जाए तब भी बाय कर सकते हैं। 272 का स्टॉप लॉस लीजिए और 345, 352, 397 तक के टारगेट हमें इसमें
मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल देखिए ये काफी देर से इस ट्रेजेक्ट्री में फंसा हुआ था। कौन सी ट्रेजेक्ट्री थी इसकी? 674 से 698, और आज ये 698 तो के ऊपर निकले ही निकला। 698 क्या था? ये था 20 डेमा। 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, एक इंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनाई है बहुत बड़ी, और शेडो भी बहुत छोटी है, और अपने दिन के हाई पर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसको आपने 696-698 तक का कोई भी डिपाय बाय करना है। 688 जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 698 क्या है इसका 20 डेमा। 20 डेमा तक कोई भी डिप पाए बाय कीजिए, क्योंकि 20 डेमा इसे सपोर्ट देगा। ऊपर जो टारगेट हमें मिल सकते हैं वो 713, 736, 753 और 761 तक के टारगेट हमें बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे तीन स्टॉक। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो आज क्या हुआ, तो सबसे पहले इस बारे में मैं आपको बता दूं कि क्यों मार्केट गिरी, क्या हो गया। एक्चुअली जो मार्केट गिरी है वो आज गिरी है टेक्निकली, और कोई इसमें कोई सेलिंग नहीं आई है। अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि सेलिंग आ गई है, ये कोई सेलिंग नहीं आई है, ये जस्ट टेक्निकली एक प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट अपना बेस ढूंढ रही है, जैसे ही इसे अपना बेस मिल जाएगा तो फिर ये ऊपर की ओर चल पड़ेगी। बेस क्या है ये हम आगे जाकर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने आज डोजी कैंडल बनाई है, बहुत अच्छी बात होती है जब एक बेरिश कैंडल बनी हो उसके बाद एक डोजी कैंडल बनना, ये दिखाई देता है कि इसमें बुलिश पैटर्न है इसमें, और इसमें एक लॉन्ग टर्म में बाइंग आने वाली। तो बैंक निफ्टी ने एक तरह से इसी पे सपोर्ट ले लिया, इसी लेवल पे 39543 पर। तो कल हमने अगर 39600 के ऊपर या 39550 39600 के ऊपर बैंक निफ्टी मिले या खुले तो बाय कीजिए, 39400 की कॉल बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस वही 39350 पर। आज 39350 अब नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सुबह सुबह एक सेकंड के लिए इसने 39290 लगाया था, तो हम अब जो कल के लिए स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे वो रखेंगे 39290, मतलब 39300 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो 39775, 39827, 39953 और 40010, और लास्ट में जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 40450, 40450। और इसमें ऐसे ही निफ्टी की तरह जैसे ही 39300 टूटा तो आप इसमें बेरिश हो जाना है, और आपने 39300 की पुट बाय कर लेनी है, तब स्टॉप लॉस 39450 का रखना है। नीचे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 38820, 38781, 38693 और 38497। जैसे ही 38693 के आसपास, मतलब 38700 के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी आए तो अपना पुट में प्रॉफिट बुक कर लेना है, और साथ के साथ आपने 38600 की कॉल बाय कर लेनी है, और स्टॉप लॉस 38400 का रखना है। ये आपने बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कोई बड़ी सेलिंग नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, ये जस्ट बैंक निफ्टी बेस ढूंढ रही है, और हम आपको पहले ही एडवांस में बेस बता रहे हैं कि यहाँ पे बेस है 38700 के आसपास इसका बेस है, तो वहाँ पर जाकर अपनी पुट में प्रूफ प्रॉफिट बुक करना है, और उसके बाद वहाँ पर कॉल लेनी। पर मार्केट किधर जाएगी? देखिए बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है, डोजी कैंडल बनाई है, उसके हिसाब से टेक्निकली मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जाएगी, पर हो क्या रहा है, निफ्टी नीचे जाएगी पर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, यही हो रहा है। आज भी यही हो रहा था, निफ्टी नीचे जा रही थी बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कश्मकश में बेचारा ट्रेडर बीच में पिस रहा था। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में अभी बुलिश पैटर्न है, अगर कल बैंक निफ्टी 39600 के ऊपर खुले तो आपने बुलिश ही रहना है इसमें, और अपना स्टॉप लॉस 39300 का रखना है। 39300 के नीचे बेरिश, 39300 के ऊपर आपने बुलिश रहना है। उसके बाद अब आगे चलते हैं निफ्टी की ओर। इंडिया विक्स 18.31 काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो गया एक तरह से, क्योंकि कोई स्टॉप लॉस कोई रेजिस्टेंस का कोई सीमा नहीं रही, ऊपर नीचे मार्केट हो रही है। क्यों हो रही है अभी मैंने इसका कारण बताया,
कारण सिंपल है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और निफ्टी काफी वीक पोजीशन पे है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी नीचे जा रही है, एक दूसरे को ये ऊपर नीचे खींच रहे हैं और इसलिए ट्रेडर बीच में पिस रहा है। तो उसके बाद पुट कॉल रेशियो वो है 1.31, 1.26। पुट कॉल रेशियो बुल्स बुल्स के फेवर में है, ये काफी कम आ गई है। और उसके बाद आता है ऑप्शन चेन। ये देखिए ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा कॉल रेटर कहाँ है, वो है 18,500 पर, 66 लाख, 27 लाख, 88 हजार अभी ऐड हुआ है आज ही एक ही दिन। और सबसे ज्यादा एडिशन कहाँ हुई है, वो ही है 18,400 पर, 32 लाख कॉल रेटर यहीं पे ऐड हो चुका है। और 18,300 पर भी जो कॉल रेटर ऐड हुआ है, तो 18,300 पर बेयर्स जो पुट राइटर है उन्होंने अपनी ग्रिप भी छोड़ दी है। मतलब 18,300 तक कॉल राइटर काफी ज्यादा अग्रेसिव और एक्टिव है, क्योंकि बड़े दिनों बाद कॉल राइटर को अपना दमखम दिखाने की अब मौका मिला है। तो वो अपना मौका चूकेंगे नहीं, बेयर्स को अपने पूरा जोर लगाना है बेयर्स ने अब कि वो अपने टारगेट पूरे कर सके। जो बुल्स हैं वो काफी प्रेशर में है, देखिए कहीं पर भी इसकी कोई ग्रिप नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा जो पुट राइटर है वो है 18,200 पर, और पुट राइटर अगर कहीं ऐड हुआ है तो वो हुआ है सबसे ज्यादा 18,100 पर। क्यों हुआ है ये देखिए चार्ट पे बताता हूँ कारण। जैसे कि मैंने बताया कि इंडेक्स अपना बेस खोज रहा है, तो बैंक निफ्टी का बेस तो मैंने बता दिया, अब मैं निफ्टी का भी बेस बता दूं। निफ्टी अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 18,350 के नीचे आपने बेरिश रहना है, आपने पुट ले लेनी है, और काफी नीचे आई पर यहाँ से थोड़ा यू टर्न जरूर लिया इसने निफ्टी ने। तो 18,200 के पास क्यों लिया, क्योंकि 18,200 पर पुट राइटर था, पर पुट राइटर काफी ज्यादा अग्रेसिव है। तो हमने क्या करना है, कल ट्रेड कैसे करनी है और आपको बेस भी मैं बताता हूँ। 18,370, 18,370 तक कोई भी उछाल आए तो आपने पुट बाय करनी है 18,400 की। 18,400 की पुट्टी सेफ रहेगी, क्यों, क्योंकि कल थर्सडे एक्सपायरी है, तो इसलिए इन द मनी पुट लेनी है 18,400 की। स्टॉप लॉस जो अपना रखना है वो रखना है 18,432 का, 18,432 के स्टॉप लॉस के साथ। 18,370 तक कोई भी उछाल आए तो पुट लीजिए, और नीचे जो टारगेट रहेंगे वो वापस फिर से 18,248, 18,207, 18,176। और अगर 18,176 टूट गया तो हमें सीधा मिलेगा 18,091 और 18,049, 18,050 भी कह सकते हैं। 18,050 से 18,090 के आस यहीं पे इसे बेस मिलेगा, यहीं पे सपोर्ट मिलेगी, यहीं पे जाकर निफ्टी विराम लेगी और शांत होगी। अब इसका मैं 20 डेमा भी थोड़ा बता दूं कि 20 डेमा कहाँ है। देखिए इसका जो 20 डेमा है वो है 17,900, ये भी आपने ध्यान रखना है। और वो इसलिए मैंने बताया है कि बाय चांस अगर 18,050 टूटे फिर वो सीधी 17,900 पर जाएगी, फिर उसे कोई बीच में रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस 18,050, 18,090। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ना ली तो फिर 17,910 पे जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपने 20 डेमा का। हालांकि फिलहाल जो इसका जो 10 डेमा है वो 10 डेमा वो लगभग यहीं पर है 18,176 के आसपास। तो यही कारण है कि मैंने सबसे पहले आपको जो टारगेट दिया है वो 18,176 का दिया है, और कोई टारगेट नहीं दिया। 18,176 के नीचे अगर निफ्टी जाए तब आपने दोबारा से 18,200 की पुट लेनी है, वरना 18,176 पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 18,176 पर ही प्रॉफिट बुक कर लेना, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी अग्रेसिव है, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी चांस नहीं दे रही टूटने का, वो टूट नहीं रही है। वही कारण है कि निफ्टी भी टूट नहीं पा रही है और बेयर्स को भी मज़ा नहीं आ रहा इतना जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि पुट बड़ी तेजी से भागती है पर वो नहीं भागी, आज भी नहीं भागी, यही 5-10 पॉइंट करके मिल रहे थे, वो कोई ज्यादा नहीं मिल रहे थे। अगर बैंक निफ्टी साथ दे तब पुट में मजा आता है, ऐसे यही कारण है कि पुट में मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। पुट बड़ी मजेदार चीज होती है, जब मार्केट गिरती है तो बड़ी तेजी से पुट के टारगेट मिलते हैं, पर बैंक निफ्टी सारा मजा खराब कर रही है।
तो यही कारण मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही 118,176 पर आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं टूटे। हाँ, अगर बैंक निफ्टी का 39,350 का लेवल टूट गया, फिर पुट की आंधी आएगी, बेयर्स का पूरा जलवा देखने को मिलेगा, फिर 18,176 तो टूटेगा ही टूटेगा, फिर 18,090 भी मिलेगा और 18,050 भी मिलेगा। ये आपने ध्यान रखना है, 39,350 बैंक निफ्टी की ओर भी आपने ध्यान रखना है। अगर वो टूट गया तो निफ्टी में भारी गिरावट बिल्कुल क्लियर कट होगी, फिर पुट में मज़ा भी आएगा और पुट में फिर अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे। अब सारा कुछ डिपेंड करता है बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी अभी तो बिल्कुल कोई चांस नहीं, टेक्निकली कैंडल वाइज हर तरह से ये दिखा रही है कि हाँ जी मैं तो ऊपर जाऊंगी, बल्कि निफ्टी कह रही है कि मैं नीचे जाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है। बुल्स अपना पूरा जोर बैंक निफ्टी पर लगा रहे हैं, बेयर्स जो बेयर्स हैं वो पूरा जोर निफ्टी के स्टॉक्स पर लगा रहे हैं कि उसे बेच बेच के सेलिंग कर करके उसे नीचे गिरा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से निफ्टी 18,176 कल जरूर टच होगा और 18,090 भी मिल सकता है, और बैंक निफ्टी 39,350 तक ज़्यादा से ज़्यादा डिप लगाएगी। ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अपनी ग्रिप नहीं छोड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से इसी देर में तभी मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि जो जो तो सिंपल ट्रेडर है वो तो ट्रेड ही ना करें, वो तभी ट्रेड करें अगर आप देखें कि 39,350 उधर टूट गया तो ट्रेड कर लें। इधर जो निफ्टी में जो सिंपल ट्रेड है वो ये ध्यान रखें ऊपर की ओर, देखिए मैं कॉल भी बता दूं कहाँ लेनी है, 18,460 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तब आपको क्लियर कट ट्रेड मिलेगी, फिर कोई घबराहट वाली चीज़ नहीं है, जो तो सिंपल ट्रेडर भी ट्रेड कर सकेंगे। मेरी यही सलाह है, जो सिंपल ट्रेडर है जिन्हें नहीं समझ आती कुछ, वो एक दिन ट्रेड ना करें, कभी कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड ही होती है। और दूसरा, अगर जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 18,460 के ऊपर आपने 18,400 की कॉल बाय करनी है और नीचे स्टॉप लॉस रखना है 18,370। क्यों? क्योंकि 18,460 के ऊपर अगर निफ्टी आ गई तो मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये फिर निफ्टी 18,492, 18,543, 18,604 और 18,687 तक को एक ही दिन में छू सकती है। तो अभी तो फिलहाल पैटर्न वीक है निफ्टी का, फिर भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कुछ नहीं पता चलता कहाँ से कौन सी खबर आ जाए, कोई अच्छी या बुरी, तो उसको मार्केट कैश करने में भी 1 मिनट ही लगाती है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी टेक्निकली आपको बता दिया कि निफ्टी नीचे की ओर जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाएगी। इसी उधर में उधर थर्सडे एक्सपायरी है, काफ़ी गुंझलदार है कल की ट्रेड, तो आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। जो जो एक्सपर्ट ट्रेडर है उनको भी मेरी राय है कि वो कम लॉट में ट्रेड करें, और जो बड़े सिंपल ट्रेडर है बिगनर है वो कल ट्रेडिंग से दूर रहें। फ्राइडे को एक शांत ट्रेड होगी तब ट्रेड कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं, मार्केट कहीं भागी नहीं जाती, मार्केट यहीं है और ऐसे ही चलती रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।